नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कनेक्शन के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच कीजिए बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर एक प्लास्टिक का मोल्डेड बोर्ड, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 5-पिन सॉकेट और 2 स्विचेस ले रहे हैं हम वायरिंग के लिए। इस तरीके से वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो सॉकेट और स्विचेस हैं इनको इस बोर्ड में यहाँ पे हमें फिट करना है। तो हम एक एक करके इन्हें फिट करते हैं। इस तरीके से आपको एक सॉकेट लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 5-पिन सॉकेट हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, एक 5-पिन सॉकेट यहाँ पर लगाएंगे और 2 स्विचेस हम यहाँ बीच में लगाएंगे। तो हम एक एक करके इनको कस लेते हैं। तो दोस्तों, हम ये स्क्रू के नट सारे निकाल लेते हैं पहले, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हमने सारे स्क्रू में से नट निकाल लिए हैं। अब हम आपको एक 5-पिन सॉकेट को कस के बताते हैं इसे किस तरह से कसना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको रख लेना है। उसके बाद स्क्रू को ऐसे डालना है और फिर उसके बाद यहाँ पे एक नट लेना है और नट को यहाँ पे ऐसे पहले तो आप ऐसे घुमा लीजिए इस तरीके से। जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, उसके बाद आप क्या कीजिए, एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए, उससे इस तरह से इसे कस लीजिए। फिर दूसरा स्क्रू भी आप इसमें लगा दीजिए इस तरीके से यहाँ पे। और इसे नट लगा के वापस इसे इस तरीके से टाइट कर लेना है। और यहाँ पे ऐसे हाथ रख के, उंगली रख के इस तरह से इसको टाइट कर लेना है। भी देखिए दोस्तों, हमारा ये 5-पिन सॉकेट अच्छी तरह से हमने इसे यहाँ पे टाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसी तरह से हमें ये सारे स्विचेस लगाने हैं। तो स्विचेस का आप ध्यान रखिए, ये जो लिखा हुआ है इसके लिखे हुए भाग को मतलब देखते हुए आपको सीधा लगाना है। जैसे आपका ये 5-पिन सॉकेट इस तरीके से लगा है, इसको आपको ऐसे करके सीधा लगाना है। और दूसरा एक और इसकी पहचान है कि ये जो इसके जो स्क्रू जो रहते हैं कनेक्शन के लिए, इनका डिस्टेंस इस वाले होल से थोड़ा करीब रहता है और यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, एक ये भी पहचान है। वैसे तो आप यहाँ से फ्रंट से देख के आप इसे पहचान जाएंगे कैसे लगाना है। आपको ऐसे उल्टा नहीं लगाना है, नहीं तो ये अपोजिट कार्य करेगा। तो इस तरीके से आपको सारे स्विचेस और सॉकेट लगा लेने हैं। तो इस तरीके से आपको स्विच और सॉकेट को लगा लेना है। तो हम इसे टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सारे स्विचेस और सॉकेट को अच्छी तरह से यहाँ पे फिट कर दिया है। देखिए, सारे नट बोल्ट हमने इसमें लगा दिए, सारे स्क्रू लग गए हैं, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें हमें करनी है वायरिंग। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो सॉकेट होता है उसमें राइट साइड में हमेशा फेस का कनेक्शन होता है और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल का। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि आपके कनेक्शन हमेशा इसी तरह से आएँ, राइट में फेस, लेफ्ट में न्यूट्रल, दोनों सॉकेट में। किसी भी बोर्ड वायरिंग में आपको इस तरह से वायरिंग करनी है। तो अब हम इसमें वायरिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी, हमने वायर ले लिए हैं। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक
वायर इस तरह से रेड वायर आपको ले लेना है, फेस के लिए हम यूज़ करेंगे इसे। तो ये हम इसे स्विच में लगा रहे हैं इस तरह से, इसको टाइट कर लेना है, अच्छी तरह से टाइट करना है आपको। और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे इस सॉकेट में, इस वाले पॉइंट पे इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से इसे भी हमें टाइट कर लेना है। टाइट आप बिल्कुल अच्छी तरह से करें, लूज ना छोड़ें बिल्कुल भी। देखिए दोस्तों, हमने ये यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों ये वाले पॉइंट से हमें इसका यहाँ पे कनेक्शन करना है, एक फेस देना है यहाँ पर। तो हम एक और वायर ले लेते हैं, इस तरह से अच्छे से टाइट करना है आपको। इसमें हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे इसका, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इन दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करना है। यहाँ पे हमें फेस देना है, तो एक वायर लेके हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे छील लेंगे, जितनी ज़रूरत हो उतना ही वायर रखना है। इस तरह से वायर को यहाँ पे लगा लेना है। इसको हम टाइट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। इसको आपको लूज़ नहीं छोड़ना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमारे मेन फेस के कनेक्शन हो गए, दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया है, यहाँ हम फेस देंगे। अब हम दोस्तों न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, तो उसके लिए हमें एक और वायर लेना है, ब्लैक वाला। देखिए दोस्तों, हम ब्लैक वायर लेंगे और हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है सॉकेट का, इस सॉकेट के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमें इसे शॉर्ट करना है। तो हम इसे शॉर्ट कर देते हैं। कनेक्शन बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए दोस्तों, वायर थोड़ा लंबा है, इसको कट कर लेते हैं। ये हमने से टाइट कर लिया है, ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ से देखने पर राइट साइड में न्यूट्रल का कनेक्शन आ रहा है और दोनों सॉकेट के लेफ्ट साइड में फेस का कनेक्शन आ रहा है। जब हम इसे ऐसे पलटेंगे तो हमारा, देखिए ये जो फेस है ये हमारा राइट साइड में आ रहा है, देखिए।
ये राइट में फेस है, ऐसे इस साइड वाले में ये राइट में, ये देखिए राइट में फेस आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ न्यूट्रल आ रहा है, यहाँ फेस आ रहा है। इसी तरह से आपको ये कनेक्शन करने हैं। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो पॉइंट होते हैं ये अर्थिंग के पॉइंट होते हैं, यहाँ पे आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना है, तो इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना है। तो इसके लिए आपको ग्रीन वायर का यूज़ करना है। फेस के लिए हमेशा रेड वायर यूज़ करें और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वायर का यूज़ करें, और इसके बाद अर्थिंग के लिए ग्रीन वायर का यूज़ करें आप। तो हम ये कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से अच्छे से आपको सारे कनेक्शन कर लेने हैं। ये वायर को हमने काटा नहीं है दोस्तों, ये हमने इसमें यूज कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कनेक्शन हो गए। ये जो स्विचेस के जो नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं, यहाँ हमेशा फेस का कनेक्शन आता है, और इन दोनों पॉइंट को हमेशा शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे फेस का कनेक्शन करते हैं। और स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, वहाँ से सॉकेट के इस वाले, यहाँ से देखने पर लेफ्ट वाले पॉइंट पे आपको फेस देना है, और इस साइड वाले जो सॉकेट है उसमें ऊपर वाले स्विच के इस पॉइंट से लेफ्ट वाले में आपको फेस का कनेक्शन करना है, और न्यूट्रल आपको यहाँ से देखने पर राइट से दोनों के राइट राइट में न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो इनको आपस में ऐसे वायर से हम शॉर्ट कर देते हैं। और अर्थिंग के लिए ये जो बड़ा वाला पॉइंट होता है ऊपर वाला, इसमें हमें अर्थिंग के लिए आपस में ऐसे ग्रीन वायर का यूज़ करके इनको शॉर्ट कर देना है। तो अब क्या करेंगे, आपको जिस साइड से भी वायर निकालना है उस साइड वाले सॉकेट के वहाँ पे कनेक्शन करेंगे, फेस न्यूट्रल और अर्थिंग के लिए। आप 3 कोर का एक वायर आता है, आप उसका यूज़ करें, और वो उसके ऊपर से इंसुलेशन होता है। हम ये आपको दिखाने के लिए अलग अलग 3 कलर के वायर हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे आप एक 3 कोर का वायर होता है, इसके ऊपर भी इंसुलेशन रहता है, उसमें अंदर से आपको ऐसे 3 वायर ऐसे निकले हुए दिखाई देंगे, तो इनके इनका यूज़ करना है आपको। तो अर्थिंग के लिए ग्रीन, और फेस के लिए रेड, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। देखिए दोस्तों, यदि आपको इस बोर्ड से कुछ छोटी मोटी चीज़ें चलानी हैं, जैसे आपको मोबाइल को चार्ज करना है, या फिर म्यूज़िक सिस्टम को चलाना है, या टीवी को चलाना है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों में आपको अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप चाहें तो फिर उसमें ये तो खैर फिर भी आप लगा दें अर्थिंग, लेकिन जो वायर है आप चाहें तो उस वक्त 2 कोर का वायर ले लें, तो आपको वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। यदि आप इससे कूलर चलाना चाहते हैं, या प्रेस का यूज़ करना चाहते हैं, इस टाइप से कोई हैवी चीज़ें चलाते हैं, तो आपको अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, और आपको 3 कोर का वायर लेना है, ये आप विशेष ध्यान रखना। तो आप किस पर्पज़ से आप ये बोर्ड बना रहे हैं, अभी हम आपको ये 3 कोर वाले वायर से कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखो हमें जैसे लेफ़्ट साइड में वायर का रखना है कनेक्शन, तो हम इस वाले सॉकेट से कनेक्शन लेंगे। तो देखिए हम यहाँ से अर्थिंग का एक वायर निकाल लेंगे, तो ये ग्रीन वाला हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हम यहाँ पे रख देते हैं वायर को, इसको हम थोड़ा लूज कर लेते हैं, ये आप चाहें तो पहले ही यानी आप लगा सकते हैं, जब ये कनेक्शन कर रहे थे उसी वक्त लगा सकते हैं, दोनों को आप चाहें तो ऐसे आपस में। ये ट्विस्ट कर लें, के बाद यहाँ पर इस तरह से इसे टाइट कर दें, और आपको दोस्तों ये अच्छे से टाइट करना है, लूज नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अर्थिंग का कनेक्शन हो गया। अब हमें फेस यहाँ से देना है,
ये जो दोनों स्विचेस के नीचे वाला जो हमने शॉर्ट किया है ना, यहाँ से हमें फेज देना है, तो इसके लिए हम रेड वायर का यूज़ करेंगे। हम खोल लेते हैं, चाहे तो इसको भी आप दोनों को आपस में मिला लें। ऐसे अच्छी तरह से टाइट कर दें। ये देखिए हमारा ये फेस का वायर आ गया, इसका कनेक्शन हो गया। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। वायर को ऐसे अच्छे से ट्विस्ट कर लेना है। न्यूट्रल का कनेक्शन हम इस वाले सॉकेट से करेंगे, तो ये दोनों में न्यूट्रल पहुंच जाएगा, क्योंकि हमें कनेक्शन इस साइड से निकालने हैं वायर को। इनको भी आपस में शॉर्ट कर देते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने ये फेस न्यूट्रल और अर्थिंग के कनेक्शन कर दिए। एक बार और आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए अर्थिंग का हमने ग्रीन वायर यूज़ किया और ये इस सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से क्योंकि ये आपस में कनेक्ट हैं दोनों सॉकेट में, अर्थिंग और न्यूट्रल के लिए हमने इस वाले सॉकेट का यूज़ किया है। यहाँ से ये न्यूट्रल लिंक लगी हुई है, दोनों सॉकेट में न्यूट्रल चला गया। और फेस हमने ये दोनों स्विचेस के नीचे वाले पॉइंट पे कनेक्ट किया है यहाँ पर, तो ये लिंक लगी है, तो ये दोनों में फेस चला गया। इस तरीके से इसके कनेक्शन करना। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये बोर्ड लेंगे हम और इसको इसमें से ये वायर को निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखिए हमने ये होल कर रखा है, ऐसे आपको जहाँ से वायर निकालना है वहाँ पर होल कर लें। तो हम इसे निकाल लेते हैं सभी वायर को। इस तरह से सभी वायर को आपको अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद में कि बॉक्स को ऐसे क्लोज कर देना है, तो यहाँ से आपको स्क्रू से टाइट कर लेना है। तो हम ये स्क्रू लगा देते हैं। चारों स्क्रू यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से इनको टाइट कर लेना है। सभी स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमने ये सारे स्क्रू को टाइट कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको हम कट कर लेते हैं, सभी वायर को छील लेते हैं। इस तरह से वायर को छील लेना है। और आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसा 3 पिन टॉप आपको लेना है
देखिए ऐसा टॉप लेना है और इसमें ये कनेक्शन कर देने हैं। तो इसमें कैसे कनेक्शन होते हैं, इसको कैसे खोलते हैं, देखिए ये जो पॉइंट हैं यहाँ पे स्क्रू लगे हैं, इनको ऐसे ओपन करना है। देखिए ये थ्री पिन टॉप हम इसलिए ले रहे हैं कि जैसे हमें यदि कूलर वगैरह, पंखा वगैरह या प्रेस वगैरह, टेबल फैन, ये सब चीज़ें चलानी है, तो ये थोड़ा सा इनमें इलेक्ट्रिकली थोड़ा सा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या अर्थिंग ज़रूरी होती है, तब वो आपको ये वाला जो टॉप ये ज़रूर लगाना है और थ्री कोर का वायर लेना है, ये ध्यान रखना है, और इसमें अर्थिंग का कनेक्शन ज़रूर करना है। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो अर्थिंग का भी इसमें कहाँ लगेगा दोस्तों, ये जो ग्रीन वाला है वो इस वाले पॉइंट पे लगेगा, और रेड वाला कहाँ लगेगा, राइट साइड में, क्योंकि फेस रहता है हमेशा, तो इस वाले में आपको रेड वाला लगाना है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कैसे लगना है, और ये यहाँ से ये वायर निकलेंगे, तो यहाँ से आपको ये खोल लेना है, थोड़ा सा इसको लूज़ कर लेंगे हम। ये सारे वायर यहाँ से निकलेंगे अंदर से, ताकि यहाँ से ये टाइट हो जाता है, ऐसे करके आपको इसके नीचे से ऐसे निकाल लेने। ऐसे करके आपको इनको निकालना है सभी वायर को। अब देखिए दोस्तों, जो रेड वाला है उसको राइट साइड वाले पॉइंट पे लगाना है, ये वाले पॉइंट पे, तो इसको हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं। अच्छे से टाइट करना है आपको। अब आपको ये ग्रीन वाला जो है ऊपर लगाना है, इस तरह से यहाँ पे लगाना है, अच्छे से टाइट कर लेना है। ये अर्थिंग की मोटी पिन रहती है, यहाँ पे लगता है ये टॉप में ग्रीन वाला अर्थिंग का। उसके बाद आपको न्यूट्रल का लगाना है, तो न्यूट्रल का यहाँ पे लगेगा, इसको भी थोड़ा लूज कर लेते हैं। इसको यहाँ पे लगाना है, इस तरह से न्यूट्रल का वायर हम यहाँ पे लगाएंगे। ऐसा अच्छे से टाइट कर लेना है, इसको भी हम बाहर खींच लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे सारे कनेक्शन हो गए। अब हम ये स्क्रू से टाइट कर लेते हैं, ताकि ये वायर अच्छे से टाइट रहे, ये बाहर निकले नहीं। तो इसको हम ये दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें एक गलती कर दी, आप ये ध्यान रखें, ये नहीं लगाया, ये यहाँ पे वायर को यहाँ से निकाल के फिर लगाना था, तो ये गलती होगी दोस्तों। तो मैं ये सारे वायर निकाल के एक बार इसको लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ऐसे ये छोड़ना नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो है इसे हम लगाना भूल गए थे, तो हमने इसे लगा दिया है, तो हमने इसे दोबारा वायरिंग को निकाल के और फिर से हमने इसमें कनेक्शन किए हैं, तो ये हमने वापस लगा दिया ये। तो अब इसे कैसे लगाना है, इसे यहाँ पे इस तरीके से बैठाना है और फिर बाद में इनको टाइट कर देना है, इसे हम टाइट कर देते हैं। आपको अच्छे से टाइट कर देना है, ये क्या है, वायर को होल्ड करके रखता है, और ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है ये, मतलब तो इस तरह से इसको लगाना है। अब ये कवर लगा देते हैं इसमें, इस तरह से इसका
कवर यहाँ पे लगा देना है, इसके स्क्रू को टाइट कर देना है। इस तरह से ये 3 पिन टॉप को लगा देना है। अब दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि इसमें ये हमारी जो वायरिंग है ये प्रॉपर कनेक्शन हुए हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों हमारा 3 पिन टॉप भी हमने ये कनेक्ट कर दिया है और ये बोर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, एक्सटेंशन बोर्ड। तो अब हम इसे आपको सप्लाई देके चेक करके दिखाते हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने ये बोर्ड से इसे सप्लाई दे दी, ये ऑन कर दिया हमने। अब हम सबसे पहले आपको ये दोनों सॉकेट में फेस टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये फेस प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। तो दोनों में राइट साइड में फेस आ रहा है कि नहीं ये दिखाते हैं पहले। तो देखिए हमने ये स्विच को ऑन किया, इस वाले सॉकेट में यहाँ पे फेस आना चाहिए। तो हम आपको चेक करके दिखाते हैं, ये हमने फेस टेस्टर ले लिया है, आप देख पा रहे होंगे फेस हमारा ग्लो कर रहा है, यानी यहाँ बराबर फेस आ रहा है। अब इस साइड वाले पे भी हम चेक करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा फेस ग्लो कर रहा है, फेस टेस्टर जल रहा है, यानी ये आपका फेस बिल्कुल सही जगह कनेक्ट है और प्रॉपरली फेस आ रहा है। अब हम आपको ये बल्ब से चेक करके दिखाते हैं इसके फेस न्यूट्रल भी प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं और इसकी अर्थिंग भी प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं और वो काम कर रही कि नहीं। हम आपको इस वाले सॉकेट में पहले चेक करके दिखाते हैं फेस न्यूट्रल कनेक्ट है कि नहीं और हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं। देखिए ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी ये बिल्कुल ओके है। अब इस साइड वाले सॉकेट में भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है और ये बराबर ऑन ऑफ हो रहा है। इस साइड भी आपको वापस देख दिखाते हैं। देखिए ये स्विच हमारा बराबर ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो देखिए दोस्तों अब हम आपको अर्थिंग भी चेक करके दिखा देते हैं। तो अर्थिंग के लिए एक वायर को हमें इस वाले होल में लगाना है और एक वायर को यहाँ पे फेस वाले पॉइंट पे देना है और स्विच को ऑन करके हम फिर अर्थिंग चेक करेंगे। तो ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं, अब हम ये स्विच ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अर्थिंग वाला पॉइंट भी बिल्कुल ओके है, ये अच्छे से काम कर रहा है। और इस साइड वाले को भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे दोनों सॉकेट की अर्थिंग बराबर काम कर रही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।